देश में नोवल कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बॉलीवुड जगत भी इसकी चपेट में आ गया है। हाल ही में एक्टर विक्की कौशल भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया है। विक्की ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कौशल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो शेयर की है। उन्होंने पोस्ट में कैप्शन लिखा है, नेगेटिव। विक्की ने लिखा है कि आज टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आप सभी की शुभकामनाओं और संदेशों के लिए धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक होगी, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। दो दिन में ऑक्सीजन की समस्या खत्म हो जाएगी, यह बात सांसद शंकर लालवानी ने शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि अब कोविड के लिए हम 1000 बेड की व्यवस्था करेंगे। कम लक्षण वाले मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर तैयार हो चुका है। विधायक संजय शुक्ला के आत्मदाह करने की धमकी पर उन्होंने कहा कि अभी नगर निगम चुनाव बहुत दूर है, यह समय राजनीतिक करने का नहीं है। सभी मिलकर शहर को इस महामारी से बचाने के प्रयास कर रहे हैं। देवास के जिला अस्पताल प्रबंधक की गंभीर लापरवाही सामने आई। वार्ड से कोविड मरीज भाग गया, किसी को भी पता तक नहीं चला। मरीज के भागने की सूचना के बाद वार्ड और अस्पताल में हड़कंप मच गया। करीब 30 मिनट के बाद मरीज अस्पताल से करीब 200 मीटर दूर बस स्टॉप पर बैठा मिला, जिस पर पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी उसे बाइक पर बैठा कर अस्पताल लाए। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन एग्जाम 2021 की अप्रैल में होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। जानकारी के मुताबिक 2021 एग्जाम के दो सेशन पहले ही फरवरी और मार्च में पूरे हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्टूडेंट और उनके माता पिता की मांग को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत शनिवार रात 12 बजे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से हो गई। मरीज तड़पने लगे, परिजन मास्क दबाकर उन्हें राहत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे नाकाम रहे। एक के बाद एक 12 मरीजों की सुबह 6 बजे तक मौत हो गई। कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में इस महामारी ने कोहराम मचा रखा है, वहीं चीन ने बहुत हद तक इस प्रकोप को नियंत्रित कर लिया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका वैक्सीनेशन की रही है। चीन जैसी बड़ी आबादी वाले देश में वहां की सरकार ने वैक्सीनेशन नहीं लेने की इच्छा रखने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त अंडे, स्टोर कूपन, किराने के सामान पर छूट की पेशकश की। इसका फायदा भी वहां देखने को मिल रहा है और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आ रही है। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच यूपी की योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। सरकार सभी श्रमिकों, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और राशन देगी। शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहा कि पिछले साल राज्य सरकार ने कोविड 19 की चुनौती का सामना करने के साथ ही विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाया था। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए, इसी तरह राशन वितरण कार्य की व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए। भत्ता वितरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। किल्लत बढ़ते ही शहर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस महामारी में मुनाफाखोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। वह एक पीड़ित परिवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन 22,000 रुपए में बेचने जा रहा था। सूचना पर राजेंद्र नगर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे इंजेक्शन को लेकर पूछताछ कर रही है। सूरत से कोरोना संक्रमण के डर में इंदौर भाग आए 21 वर्षीय डायमंड कारोबारी के बेटे को सकुशल उसके घर लौटाया। सूरत के रहने वाले एक डायमंड कारोबारी का 21 वर्षीय बेटा परिवार में सभी सदस्यों को हुए कोरोना संक्रमण के खौफ में ट्रेन से इंदौर आ गया। इंदौर रेलवे स्टेशन पर वह अपने किसी परिचित से संपर्क कर रहा था, तभी उसके माता पिता ने इंदौर पुलिस को बेटे के आने की जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया। सीएम उद्धव ने ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए फोन किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि पीएम मोदी अभी पश्चिम बंगाल में है। जब वह वापस लौटेंगे तब इस बारे में बात हो सकेगी। ये दावा खुद महाराष्ट्र के सीएम ऑफिस से एक बयान जारी कर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कहा है कि सीएम उद्धव फोन पर पीएम से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके ऑफिस से बताया गया कि पीएम बंगाल के दौरे पर है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की शादी के 5 साल 17 अप्रैल को पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस मौके पर ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है। फोटो उनकी शादी की है, जिसमें वह और उनकी पत्नी रीवा सोलंकी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, इस सफर को शांति और प्यार के साथ जारी रखना है। बता दें कि रविंद्र जडेजा की शादी 17 अप्रैल 2016 को रीवा सोलंकी आईपीएल के दौरान ही उनकी वेडिंग राजकोट में हुई थी।
जडेजा आईपीएल के इस सीजन में गुजरात लायंस की टीम का हिस्सा थे। जडेजा की वाइफ रीवा पेशे के इंजीनियर है, दोनों की एक बच्ची भी है। टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले ने सगाई कर ली है। पिछले कुछ समय से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एक रोमांटिक फोटो शेयर कर सुगंधा मिश्रा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। सुगंधा ने संकेत भोसले संग खुद की एक रोमांटिक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, हमेशा के लिए। टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने सुगंधा और संकेत को बधाई देते हुए कमेंट किए हैं। टोनी कक्कड़ ने कमेंट करते लिखा है, बधाई हो आप दोनों को, कितना अच्छा लग रहा है यह सुनकर। दिल्ली में अस्पतालों में बेड की किल्लत है और लोग कोरोना की दवाओं के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सफरगंज अस्पताल में एक एम्बुलेंस थी जिसमें लेटे मरीज की हालत गंभीर है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि हम मरीज को भर्ती कराना चाहते हैं, लेकिन भर्ती नहीं किया गया, उल्टा सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे साथ मारपीट की। 16 अप्रैल से कार कंपनी ने कुछ मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। ग्राहकों को अब कार खरीदने के लिए 1.6% तक ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। नई कीमतें तुरंत लागू कर दी गई। कंपनी का कहना है कि कार में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ाई गई है। हालांकि नई कीमतें अभी चुनिंदा मॉडल पर ही बढ़ाई गई है। बता दें कि पिछले एक साल में स्टील की कीमतें 50% तक बढ़ चुकी है। वहीं कार में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्ट से लेकर दूसरे पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कंगना रनौत ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रमजान में होने वाले मिलन समारोह पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने लिखा, कुंभ मेला के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि रमजान में होने वाले गैदरिंग पर भी रोक लगाई जाए। हालांकि जब इस पोस्ट के बाद कंगना को ट्रोल किया गया तो उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी कोच वसीम जाफर सोशल मीडिया पर अपने मजेदार पोस्ट के लिए जाने जाते हैं। ट्विटर पर अपने मजेदार पोस्ट से वो फैंस को खूब एंटरटेन करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद वसीम जाफर पीछे नहीं रहे और एक बार फिर अपने अंदाज में ट्रोल कर दिया। यूनाइटेड किंगडम के लंदन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोर्ट ने एक रग्बी प्लेयर को 2 महिलाओं से रेप करने के आरोप में 18 साल की सजा सुनाई। मिरर में छपी रिपोर्ट के अनुसार आरोपी रग्बी प्लेयर का नाम पाउलो क्रेटिस है। वह ब्राजील का नागरिक है। वह अमेरिका के न्यू जर्सी में आईवी लीग यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था। दोषी करार दिए जाने के बाद पाउलो को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा। लोग जल्द से जल्द इसे राहत पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दक्षिण पूर्व पुलिस के लिए एक्सपर्ट की ओर से जारी किए गए एक परामर्श के मुताबिक कोरोना की यह दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है। उन्होंने बताया कि जब तक 70% आबादी का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, लोग हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं करते, कोरोना की ये लहरें आती रहेगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। सरकारों की तमाम तैयारियां नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में आम आदमी से लेकर जिम्मेदार लोग भी चिंतित हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने संक्रमण के तेज से फैलने के 2 मुख्य कारण बताए हैं और लोगों को बचाव व राहत के लिए सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा, जब जनवरी फरवरी में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो मामलों में कमी आई थी। लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, यानी लोगों ने लापरवाही करते हुए कोरोना के अनुरूप व्यवहार करना बंद कर दिया और इस दौरान वायरस हुआ और तेजी से फैल गया। कोरोना महामारी ने सभी को डरा कर रखा हुआ है, लेकिन मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर इससे बचा जा सकता है। साथ ही आप ये प्राणायाम करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। बताया जाता है कि कोरोना वायरस सांस के जरिए इंसान के फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए अगर आप मुंह और गले का ख्याल रखेंगे तो इससे लड़ा जा सकता है और इसके लिए सबसे कारगर प्राणायाम कपालभाति है। भारतीय जीवन बीमा LIC निगम ने शुक्रवार को अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार अब LIC के लिए हर शनिवार को पब्लिक हॉलिडे माना जाएगा, यानी इस दिन की सभी ब्रांच बंद रहेगी, किसी तरह का कोई काम नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में आपको सभी काम सोमवार से शुक्रवार के बीच निपटाने होंगे। केंद्र सरकार ने ये बदलाव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेशन 25 के तहत किया है। रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है। रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल कर लिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत देते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत कम कर दी है। सरकार ने इस इंजेक्शन की कीमत ₹2000 तक कम कर दी है। कोरोना के इलाज में
होता है इसका इस्तेमाल। बता दें कि देश में 7 अलग अलग कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है। कोरोना वायरस के इलाज में इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल होता है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही देश में इन इंजेक्शनों की डिमांड भी बढ़ गई है, जिसके चलते सरकार ने इसके दामों में कमी कर आम लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है। आईफोन 30 का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे एप्पल इवेंट की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नए आईफोन मॉडल्स के लीक्स और टीजर सामने आ रहे हैं। हाल ही में टिपस्टर ने आईफोन 30 सीरीज के रेंडर इमेज लीक किए, जिससे इसके डिजाइन के बारे में काफी हिंट मिला। कहा जा सकता है कि आईफोन 30 और 30 मिनी दो रियर कैमरों के साथ आएंगे, जबकि आईफोन 30 प्रो फिक्स ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। यह आईफोन सीरीज 12 के समान है, लेकिन आईफोन 30 प्रो मैक्स में पुराने मॉडल की तुलना में बड़ा सेंसर मिलेगा। दिल्ली में तेजी से घट रहे बेड, हालात कितने नाजुक है बता रहा है केजरीवाल का चेहरा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के करीब 24,000 नए केस आए हैं। यह पिछले फोटो का करीब 3 गुना है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी में भी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की कमी हो गई है। हालात कितने नाजुक है यह सीएम अरविंद केजरीवाल का चेहरा भी बता रहा था, जब वह शनिवार को कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और सभी आयु के वर्ग के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को कोरोना के फैलाव को देखते हुए टीकाकरण की उम्र पर भी विचार करना चाहिए और श्वास रोग, मधुमेह तथा किडनी रोग जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के युवकों को यह टीका लगाया जाना चाहिए। एमपी के ग्वालियर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर विक्रांत को इंटरनेट से नंबर निकालकर पिज्जा ऑर्डर करना महंगा पड़ गया। पिज्जा तो घर नहीं पहुंचा, उल्टे उसके खाते से ठगों ने करीब 50,000 रुपए निकाल लिए। इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आरपीएफ के सिपाही जितेंद्र कुमार सामवेदी ने चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गैप में फंसे 2 यात्रियों की जान बचाई है, जिसके लिए उन्हें इनाम देने की घोषणा हुई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के शमशान घाट पर भी लाशें वेटिंग में लगी है। खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने योगी सरकार से कोविड बेडों की किल्लत पर चिंता जताई है। गाजियाबाद में कोविड संक्रमण से हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना वायरस लगातार जिंदगियां छीन रहा है। शमशान घाटों में शवों की कतार लगी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शमशान घाट में जहां एक तरफ लाशें थी तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस की कतार भी लगी हुई थी। झारखंड में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। सरकारी और निजी अस्पताल फुल हो चुके हैं। गंभीर हालत में भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। हर ओर अव्यवस्था का माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक और बेकाबू होती चली जा रही है। शमशान घाट और कब्रिस्तान कोरोना संक्रमण से मौत के सरकारी आंकड़े की पोल खोल रहे हैं। राजधानी रांची में पिछले एक सप्ताह यानी 10 से 16 अप्रैल के बीच सरकारी आंकड़ों के तहत 61 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, लेकिन शमशान घाट के आंकड़ों के अनुसार इस 7 दिनों में 194 शवों की अंत्येष्टि घाघरा स्थित मुक्तिधाम में की गई है। फिल्म अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने यह जानकारी शेयर की। सोनू ने लिखा, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोविड-19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं, उल्टा अब मेरे पास पहले से ज्यादा समय रहेगा आप लोगों की मुश्किलों को ठीक करने के लिए। याद रहे, कोई भी तकलीफ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कनाडा में एक सांसद को अपने किए पर शर्मनाक होना पड़ा। यहाँ जूम कॉन्फ्रेंस मीटिंग के एक सांसद बिना कपड़ों के नजर आए। उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट की किसी तरह मोबाइल के जरिए छुपाया। उनकी हरकत की कनाडा में जगह जगह निंदा हो रही है। वहां की महिला सांसद ने इस घटना को बर्दाश्त के बाहर बताया है। बीजेपी के शुक्रवार को एक तथाकथित ऑडियो क्लिप जारी होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें ममता बनर्जी शीतलकुची से टीएमसी उम्मीदवार से कथित तौर पर यह कहती सुनाई देती है कि वह CISF सुरक्षा कर्मियों द्वारा चलाई गई गोली से मारे गए 4 शवों के साथ रैलियां करे। गोरखपुर में पिता की मौत के बाद शिक्षक बेटे ने भी दम तोड़ दिया। शव अस्पताल से घर पहुंचा तो कोरोना के खौफ से पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर दिए, किसी ने झांका नहीं। शिक्षक के भाई और भतीजे भी संक्रमित है। एक भाई की हालत गंभीर है। कांधा देने वाले 4 लोग भी नहीं मिले। अंतिम संस्कार का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में पृथकवास में रहने वाले दूसरे मोहल्ले के एक व्यक्ति को जानकारी हुई। उसने फोन कर प्रशासन को सूचना दी, तब करीब 6 घंटे बाद शव वाहन पहुंचा। मेयर ने कहा कि मुंबई के 95% लोग कोरोना नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन 5% लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह स्थिति है उसको देखते हुए पूर्ण तालाबंदी की जानी चाहिए। देश भर में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है।
इसी बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले लोग अपने अपने राज्यों में प्रसाद के रूप में कोरोना को बांटने का काम कर रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना कोरोना की रिपोर्ट किए जा रहे आंकड़े और ज्यादा डरावने होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं और 1,341 लोगों की मौत हुई है। नई रिपोर्ट किए गए मामलों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 63,729 नए मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में 27,360 नए केस आए हैं। दिल्ली में 19,486 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 14,912 नए मामले और कर्नाटक में 14,859 नए मामले सामने आए हैं। इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बंगाल में आज 45 सीटों पर पांचवें फेज का चुनाव हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 9:30 बजे तक 16.15% मतदान हुआ है। इस बीच कमरहाटी में बूथ नंबर 107 पर पोलिंग एजेंट की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। चुनाव आयोग ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। जिन 45 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उनके लिए 319 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 39 महिलाएं शामिल है। चुनाव जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग उत्तर, 24 परगना, नदिया शहर और पूर्वी वर्धमान जिले में हो रहा है। दमोह विधानसभा 55 के उपचुनाव के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजते ही मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। मतदाता भी अपना विधायक चुनने के लिए मास्क पहनकर और गोलों में खड़े होकर वोट डालने कतार में खड़े रहे। केंद्र में थर्मल स्क्रीनिंग की गई और वोटिंग से पहले ग्लव्स दिया गया। कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाता प्रक्रिया देरी से शुरू हो सकी। सुबह 9 बजे तक दमोह में 8.24% मतदान हुआ। इंदौर शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार के बाद लॉकडाउन को आगे जारी रखा जा सकता है। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। समिति ने तय किया कि अभी लॉकडाउन के शनिवार और रविवार के दिन बाकी है। समिति की अगली बैठक में इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने दिल्ली से भोपाल एक बड़ा आइनॉक्स कंपनी का एयर कैप्सूल कंटेनर शनिवार की सुबह शामपुर में अल्फा कॉलेज के पास पलटी खा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंटेनर डिवाइडर पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसे निकालने के लिए 2 क्रेन बुलाई गई। वही सूचना मिलते ही मौके पर कलेक्टर अजय गुप्ता, SP, SDOP, श्यामपुर थाना प्रभारी, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में राजस्व व पुलिस अमला मौके पर पहुंच गए। ऑक्सीजन 40 टन भरी होने से जब वह सीधा नहीं हुआ तो एक क्रेन राजगढ़ से बुलाई गई। हादसे में कंटेनर का ड्राइवर व क्लीनर सुरक्षित है, वही वाहन भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। दवा निर्माता कंपनी माइलन इंदौर में रोज 1 से 2 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनकी पूरी बात माइलन कंपनी के उपाध्यक्ष नरेश हरसीजा से हुई है। उन्होंने प्रतिदिन 1000 से 2000 रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर भेजने का निर्णय लिया है, जो कलेक्टर को सौंपे जाएंगे, जिससे 3 दिनों में ही शहर में रेमडेसिविर की कमी दूर हो जाएगी। देहात थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर वकील से मिलकर घर लौट रहे पिता पुत्र पर गोली चलाई। इस घटना में पिता बुरी तरह घायल हो गए। बेटे की आंखों के सामने ही पिता ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग इंदौर में पदस्थ CDPO महेश मौर्य का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। मास्क न पहनने वालों पर वे कई दिनों से कार्यवाही कर रहे थे। CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर महेश मौर्य के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने पुण्यात्मा की शांति व उनके परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। हज यात्रा 2021 का फैसला अभी सऊदी सरकार के निर्णय पर अटका हुआ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के आदेश पर कमेटी ने सभी हज आवेदकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने को कहा। इस पर मध्य प्रदेश हज कमेटी ने शुक्रवार को पत्र जारी कर प्रदेश के सभी हज आवेदकों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए कहा। कमेटी सचिव यासिर अराफात ने बताया कि चयन क्रिया प्रदेश को मिलने वाले
कोटे के मुताबिक की जाना चाहिए। हालांकि सऊदी अरब सरकार से अब तक हज यात्रा पर आने की अनुमति या कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म अपने दोस्त की शूटिंग फिल्म मेकर्स ने पोस्टपोन कर दी है, जो इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली थी। कोविड की वजह से फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शूटिंग को आगे बढ़ा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह और फिल्म के बाकी सदस्य भी धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंता में हैं। कोई भी नहीं चाहता कि फिल्म की वजह से धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो। अब जब शूटिंग ही देर से होगी तो फिल्म की रिलीज डेट भी बदली जाएगी। लोकप्रिय तमिल फिल्म अभिनेता विवेक का चेन्नई के एक अस्पताल में शनिवार को निधन हो गया। बताया गया है कि सुबह अभिनेता का निधन हुआ, या उन्हें गहन चिकित्सा इकाई ने ECMO सपोर्ट सिस्टम पर रखा था। AMM के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी TTV दिनाकरन ने भी ट्वीट कर शोक जताया। कार्तिक आर्यन को बड़ी बड़ी फिल्म दोस्ताना 2 में से हाथ धोना पड़ा है। बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की डेट्स की वजह से उन्हें इस फिल्म से निकाला गया। दूसरी वजह करण जौहर के साथ उनका झगड़ा भी बताया जा रहा है, क्योंकि कार्तिक ने कोरोना की सेफ्टी की दलील देकर दोस्ताना 2 की शूट को टाला, लेकिन धमाका की शूटिंग शुरू कर दी। करण जौहर ने फिल्म दोस्ताना 2 बनाने का ऐलान 2019 में किया था। फिल्म की शूटिंग 2019 के अंत में शुरू भी हो गई थी। जब मार्च 2020 में कोरोना आया तो बचा हुआ शूट रुक गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2021 सीजन में अपना पहला मैच जीत लिया है। अपने दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। CSK पंजाब के खिलाफ पिछले 10 मैच में यह 8वीं जीत है। चेन्नई टीम 2 में से 1 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। मैच में 13 रन देकर 4 विकेट लेने वाले दीपक चाहर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। View 19, राज्य सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स में पुलिस महानिदेशक विपिन महेश्वरी को भोपाल जोन का भार सौंपा। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि भोपाल जोन के ADG SI मनोहर के स्वस्थ होकर कार्य पर उपस्थित होने तक महेश्वरी के पास यह चार्ज रहेगा। अनुसार भोपाल ADG SI मनोहर 10 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए महेश्वरी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले ICCI वर्ल्ड T20 के लिए भारत आने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार पाकिस्तानी खिलाड़ियों और मीडिया को वीजा देने के लिए तैयार है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को हुई वर्चुअल मीटिंग के जरिए एपेक्स काउंसिल को इसकी सूचना दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड सचिव जय शाह ने खुद इसकी सूचना दी और साथ ही बताया जा रहा है कि फैंस को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ।